ठाकुर जगदेव चंद स्मृति शोध संस्थान नेरी में ठाकुर राम सिंह के 105वें जन्मदिन के अवसर पर समारोह का आयोजन किया गया। इसमें बतौर मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने शिरकत की। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने कहा कि संसार में बहुत से लोग होते हैं जो इतिहास पढ़ते हैं, पढ़ाते वो लिखते हैं, परंतु बिरले लोग होते हैं जो इतिहास बनाते हैं। ठाकुर राम सिंह इतिहास रचने वाले लोगों में से एक थे, जिन्होंने असंख्य विद्वानों को भारत के चैतन्य के प्रकाश में इतिहास लिखने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने ठाकुर राम सिंह को महान राष्ट्र चिंतक विद्वान इतिहास श्वेता बताया। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्थानीय विधायक नरेंद्र ठाकुर ने की। उन्होंने ठाकुर राम सिंह को कर्मयोगी बताते हुए ये आह्वान किया कि उनके द्वारा स्थापित शोध संस्थान के लिए वे अपनी ओर से हर संभव सहयोग करने के लिए तत्पर रहेंगे। इस मौके पर उत्तर क्षेत्रीय प्रचारक बनबीर राणा बतौर मुख्य वक्ता मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि ठाकुर राम सिंह ने निष्काम सेवा भाव से कार्य करते हुए अपने जीवन को देश के प्रति समर्पित किया। उन्होंने इस मौके पर वीर सावरकर को महान क्रांतिकारी बताते हुए उनके जीवन पर प्रकाश डाला। इस मौके पर डॉक्टर कंवर चंद्रदीप सिंह ढींब विभागाध्यक्ष इतिहास विभाग हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय देहरा ने क्रांतिकारी स्वतंत्र वीर सभागार पर अपना शोध पत्र प्रस्तुत किया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन व सरस्वती वंदना से हुआ। इतिहास पुरुष वाचक गोकुल कुमार व संकल्प पाठ प्रोफेसर शशि कुमार ने किया। कार्यक्रम में चेतराम गर्ग निदेशक व समन्वय शोध संस्थान नेरी, सूरज ठाकुर कार्यकारी अध्यक्ष इतिहास संकलन योजना हिमाचल प्रदेश मौजूद रहे। इस मौके पर SBN B.Ed कॉलेज तरकुआड़ी के छात्राओं ने देशभक्ति के गीत व MR बैरागी ने ठाकुर राम सिंह के ऊपर एक कविता पाठ किया। प्रेम सिंह भरमोरिया ने ठाकुर राम सिंह के संबंध में स्वरण सभी के बीच प्रस्तुत किया। शोध संस्थान के निदेशक प्यार चंद परमार ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया। मंच का संचालन डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा द्वारा किया गया। इस मौके पर शोध संस्थान के निदेशक प्रेम सिंह भरमोरिया, विजय कुमार, डॉक्टर रामेश चंद शर्मा, डॉक्टर बागचंद चौहान, अजय शर्मा, APMC के अध्यक्ष जगवीर चंदेल, DC शर्मा, रणवीर राणा, प्रवीण भट्टी सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। सुजानपुर टीला के वार्ड नंबर 1 में बने सुजानपुर पालमपुर मार्ग का कार्य शुरू हो गया है। इस रोड की हालत इतनी दयनीय बनी हुई थी कि इस रोड से वाहन क्या आदमी का चलना भी दुश्वार हो गया था, जिसके चलते वार्ड नंबर 1 के पार्षद रमन भटनागर ने नगर परिषद में बजट डलवा कर रोड का कार्य आरम्भ कर दिया है, जिसके चलते ये रोड होली उत्सव से पहले लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। ज्ञात है कि ये रोड सुजानपुर पालमपुर मार्ग को जोड़ने वाला है। ये रोड रमन भटनागर द्वारा 1998 में बनाया गया था ताकि शहर के बाजार के साथ लिंक हो सके। इस रोड के बन जाने के कारण स्थानीय जनता के साथ साथ बाहर से आए लोगों के लिए सुविधाजनक बाजार में पहुंचा जा सकता है। इसके कारण ये रोड काफी दुर्दशा खराब होने के चलते लोगों ने इस रोड से आवाजाही कम कर दी थी, लेकिन वार्ड पार्षद रमन भटनागर और नगर परिषद के मनोनीत पार्षद सुधीर भटनागर के प्रयासों के कारण ये सड़क का कार्य शुरू हो गया है, जिसके लिए नगर परिषद ने 4 लाख का बजट डालकर कार्य आरंभ करवा दिया। वहीं रमन भटनागर और सुधीर भटनागर ने बताया कि भाजपा की सरकार में कितने पक्के रास्ते बने हैं, उतने रास्ते भाजपा कांग्रेस के कार्यकाल में नहीं बने हैं। ये बात रमन भटनागर द्वारा एस टुडे की विशेष बातचीत में कही। उन्होंने इसका श्रेय पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल को दिया। उन्होंने बताया कि भाजपा के कार्यकाल में बाजार के रास्ते का पक्का होना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसके कारण बाजार में लोगों को बरसात के दिनों में बाहर निकलना मुश्किल हो जाता था, लेकिन बाजार का रास्ता पक्का होने के कारण इस समस्या से लोगों को निजात मिल गई है। वहीं उन्होंने बताया कि वार्ड नंबर 1 में कुछ सड़कों का निर्माण होना बाकी है, जिनका निर्माण कार्य भी शुरू करवा दिया जाएगा।